तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बननगर में अनलॉक को लेकर क्राइसिंग मैनेजमेंट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम योगेश बरसठ व साथ ही साथ विधायक मुरली मोरवाल व पूर्व विधायक शांतिलाल धाबई व साथ ही साथ पूर्व विधायक मुकेश पंड्या क्राइसिंग बैठक में सदस्य के रूप में मौजूद रहे। एक तारीख से होने वाले लॉकडाउन को लेकर विधायक मुरली मोरवाल ने प्रभारी मंत्री मोहन यादव व साथ ही साथ कलेक्टर आशीष सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की व अनलॉक को लेकर योजना बनाई गई। आज जो मीटिंग हुई, हम लोगों ने उसका सुझाव दिया कि आप एक तो जिसके यहाँ पे शादी है और उसकी परमिशन कलेक्टर साहब से लेने जाएंगे, उसकी परमिशन यहाँ बननगर के बननगर में थाने से या एजेंट साहब के यहाँ से परमिशन होना चाहिए। और 20 लोगों की आप बोल रहे हो, 20 लोग शादी में आएंगे तो 20 लोग बाजे वाले, बैंड वाले, घोड़ी वाले, इसके अलावा बर्तन की दुकान, कपड़े की दुकान, चांदी सोने की दुकान, इनका क्या होगा। हम लोगों ने और भी बहुत कुछ सुझाव दिए हैं कि साथ में सभी दुकानें खोली जाए, लॉकडाउन सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक लॉकडाउन, दुकानें चालू सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक चालू रखी जाए। आज की ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी, ये जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक जो जिले में चल रही थी, उनके साथ सभी तहसील के क्राइसिस मैनेजमेंट के जो मेंबर्स थे वो जुड़े थे। इसमें ये निर्णय लिया गया है कि शासन द्वारा कल ही एक परिपत्रक जारी हुआ है जिसके तहत 1 जून से धीरे धीरे गतिविधियों को खोलना है। उसने अलग अलग परिशिष्ट में इसको सूची दी है, कौन सी दुकान जो अत्यावश्यक श्रेणी में आती है उनको तो 100% खुलना है, लेकिन ऐसी दुकानें जो अत्यावश्यक श्रेणी में नहीं है उसको 50% से हमें खोलना है। तो आज ये निर्णय हुआ है कि जो दुकानें जैसे एक गली में है तो एक साइड एक दिन खुलेगी, दूसरी साइड दूसरे दिन खुलेगी, इस प्रकार से 50% दुकानें हमें खुली जाएंगी। शादियों के बारे में बताया गया कि एक पक्ष के ओर से 10 लोग, ऐसे 20 लोग ही शादी में सम्मिलित होंगे और संबंधित की सूचना उनको थाने पर देनी होगी। इसके साथ ही जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसके तहत हमें पूरा पालन करना है। समय का जरूर इसमें चर्चा हुई कि हमारे बडनगर में मॉर्निंग में 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, मतलब लगभग 10 घंटे हम ये गतिविधियाँ खोलेंगे। इसके साथ भी जो एकल दुकान है किसी गली मोहल्ले में, वो दुकानें दिन भर खुली रहेगी 10 घंटे के लिए। और साथ ही ये भी डिसाइड हुआ है कि आने वाले समय में 15 दिन तक हमें इस प्रकार की व्यवस्था रखनी होगी ताकि हम इसको जो कोरोना को नियंत्रित कर लें। इस संबंध में आज चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कुछ ढाबों को खोलेंगे, उसमें भी हम चाहे तो देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे हम नहीं खोलेंगे, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है सोशल डिस्टेंस में उसको खोलेंगे। तहसील में शहर में 12 केसेस है और रूरल एरिया में 68 केसेस है, तो लगभग हमारे जो केसेस एक्टिव केसेस बहुत कम हो रहे हैं। कुछ ग्राम पंचायतें, लगभग हमारी 60 ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ एक भी केस नहीं है, और लगभग 35 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे हमारे 1-2 ऐसे केसेस हैं। 2 ग्राम पंचायतों में अधिक संख्या में केसेस हैं, एक सुवासा है और खड़ोतिया है जहाँ पे 5 से अधिक 6 केसेस है, तो वहाँ पे और भी जो है सख्ती रहेगी और धीरे धीरे उसको भी कोरोना से मुक्त किया जाएगा। तहसील में एक ही केस अभी तक रिपोर्ट हुआ है ब्लैक फंगस का, जिसो सरसों दूध से, जिसे ऑलरेडी हम लोगों ने संदर्भित किया है, आरडी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। और बाकी जो हमारे आरआरटी टीम है उनके द्वारा खरसद खुला में कुछ एक केस निकाला था जिसका ऑलरेडी उपचार हो गया है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज से, तो अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ ब्लैक फंगस के कोई केसेस रिपोर्ट नहीं।